का हमारा टॉपिक है कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा। कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा का मतलब होता है कि जो आयोटा की नैरोइंग हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा। ओके, मैं एक बार डायग्राम से आपको समझा देती हूँ कि क्या है। ये सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है। ओके, यहाँ से ये पल्मोनरी, दिस इज़ पल्मोनरी आर्टरी, ये पूरा सेप्टल है, सेप्टम है, दिस इज सेप्टम। ओके, उसके बाद यहाँ से क्या है, आयोटा है, दिस इज आयोटा। नॉर्मल आयोटा ऐसा रहता है, कुछ नॉर्मल ऐसा रहता है, लेकिन कोआर्क्टेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर साइड पे नैरो हो जाता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का हो जाता है ऐसा, ठीक है। ओके, और ये कहाँ पे होता है नॉर्मली, जहाँ पे पेटेंट डक्टस हमने जो पढ़ा था, ठीक है, डक्टस अटीरियोसिस जो हमने पढ़ा था, वहाँ जो आता है वहाँ पे, ये दिस इज़ पेटेंट डक्टस अटीरियोसिस, ठीक है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डायग्राम समझ में आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये वाल्व है, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियम, ये वाल्व से, ठीक है। ओके, तो कुछ इस टाइप का है हार्ट। तो नॉर्मली आयोटा जो है वो पूरा नॉर्मल जो रहता है उससे ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है, कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा, मतलब नैरो हो जा रहा है यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ है ये नैरो हो रही है। ओके, इससे पहले कौन कौन से, जैसे सबक्लेवियल आर्टरी आता है, कैरोटिड आर्टरीज वगैरह होती हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब हम वो देखेंगे। जब भी कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा हो रहा है, ठीक है, कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा मतलब आयोटा जब नैरो हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है इस डिसऑर्डर में, वो हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, जब ये पोर्शन जब नैरो हो रहा है, तो जो भी ब्लड का प्रेशर है, यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है इस एरिया में, ब्लड का प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ये नैरो हो चुकी है, यहाँ से ब्लड प्रॉपर अमाउंट में पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज़, जो भी अपर वाला एरिया है, जैसे हेड है, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है वो किस पोर्शन से जाता है, कोआर्क्टेशन जो नैरोइंग हो रहा है उससे पहले वाले पोर्शन से ऊपर, लाइक ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ में जाता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ये वाले आर्टरीज़ जाते हैं, ठीक है, ये वाले। और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कौन सी आर्टरीज़ जाती है, जो नैरोइंग के बाद वाली हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, मान लो ये आर्टरीज़ हैं जो कहाँ देती हैं ब्लड सप्लाई, कहाँ करती हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। ओके, तो अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी प्योर ब्लड जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्योर ब्लड आ रहा है, कहाँ से आएगा, इधर से प्योर ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से आयोटा के थ्रू वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए आयोटा का जो फंक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, बट यहाँ नैरोइंग के वजह से क्या हो रहा है, बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा है, इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा होने के वजह से जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ वाले आर्टरीज़ हैं वहाँ भी प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऊपर प्रॉपर ब्लड पहुँच रहा है, एक्चुअली एक्स्ट्रा ब्लड पहुँच रहा है ऊपर साइड को, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में क्योंकि यहाँ पर नैरो हो चुका है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में क्या हो रहा है, ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का जो प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ क्या है, बीपी जो है वो इंक्रीज़ रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से पहुँच रहा है और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत अच्छे से ब्लड जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है। ओके, इसके अलावा
इसके अलावा ये है कि जो ये नैरो हो रहा है, यहाँ नैरो हो जाने की वजह से जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है वो क्या होगा, पेटेंट डक्टस के थ्रू वापस पल्मोनरी आर्टरी में आना शुरू हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो लंग्स में जाएगा, फिर वो प्योरीफाई होगा और फिर वही सर्कुलेशन चलता रहेगा। ओके, अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, इधर ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पा रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो बैक फ्लो करेगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। ठीक है, यहाँ से तो प्रेशर हाई है और यहाँ से कुछ ब्लड का प्रेशर इधर भी पड़ेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में क्या होगा, प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके ओके, तो ये बेसिक था कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने डील किया हुआ है। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर टेराटोजेनिक फैक्टर्स वगैरह हैं, या मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस है, या फिर कोई और कंडीशंस है, जैसे उनको मतलब कोई भी हिस्ट्री है कार्डियक प्रॉब्लम की, या फिर उनको जेनेटिक का कोई प्रॉब्लम है, उसके वजह से ये डिजीज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे ये डायग्राम को देख के हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे पहले डील करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हो रही है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, बीपी जो है वो एलिवेट हो रहा है कहाँ पे, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। ओके, सॉरी, अपर एरिया जो है, अपर बॉडी जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, अब अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, अगर इस पोर्शन में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर क्या क्या चांसेस रहते हैं, एपिस्टेक्सिस का चांसेस रहता है, मतलब नोज़ ब्लीडिंग का। अगर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है तो जो नेज़ल एरिया में जो कैपिलरीज वगैरह होती हैं उनका बर्स्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। ओके, तो एक हो गया एपिस्टेक्सिस, दूसरा है ब्रेन हैमरेज या फिर सेरिब्रल हैमरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज़ ये प्रेशर ऐसा नहीं है कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, ये प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ही रहता है, जिसके वजह से क्या होगा, सेरिब्रल हैमरेज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अगर जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पर अगर ब्लड का प्रेशर लो है तो उसके वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, अगर बॉडी में पैरों में या हाथ में अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा है, पैरों में अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा, जो भी एक्सट्रीमिटीज़ है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिल्ड रहेंगे, कूल रहेंगे, बहुत ज़्यादा हमेशा ही ठंडे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि पल्सेस जो हैं, फेमोरल पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फील नहीं होता है, एब्सेंट होना शुरू हो जाता है, फेमोरल पल्स बिल्कुल भी फील नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा टैकिपनिया होगा यहाँ पे, जो कार्डियक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो टैकिपनिया होगा, सॉरी रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक में टैकीकार्डिया होगा, पल्स रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होने के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उसके बाद हम डील करते हैं कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे। तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में नॉर्मल हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अलावा एक्सरे करेंगे ताकि हमें पता लगे कि मतलब विजुलाइज कर पाएँ ईजिली, उसके अलावा ECG वगैरह भी करना है, इकोकार्डियोग्राफीज वगैरह करने हैं कि ये पता लगे कि कुछ ASD VSD प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं जस्ट बता देती हूँ कि कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा जो है वो फर्दर दो में, उसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो मैं एक बता देती हूँ यहाँ पे, दिस इज़ टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपल में क्या होता है, सिंपल में या तो PDA जो है वो प्रेजेंट हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है, मतलब सिंपल में क्या होता है, कोआर्क्टेशन तो है ही, कोआर्क्टेशन विद और विदाउट PDA, ठीक है, मे भी उसमें प्रेजेंट हो सकता है PDA या फिर नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में
PDA भी होगा, VSD भी होगा, ASD भी होगा, और जो ये वाल्व का स्टिनोसिस है ये भी होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये सारे कॉम्प्लेक्स में कोआर्क्टेशन के साथ साथ बाकी सारे भी जो सेप्टल डिफेक्ट है वो भी प्रेजेंट रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। ओके, कमिंग टू डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में इकोकार्डियोग्राफी करेंगे ताकि हमें पता लगे कि कोआर्क्टेशन के साथ साथ VSD ASD भी है या नहीं है। कार्डिक कैथेटराइजेशन करेंगे ताकि बहुत अच्छे से हमें जो कार्डिक का कंडीशन है वो बहुत ही अच्छे से पता लग पाए। ओके, नेक्स्ट जो हम डील करते हैं वो है मैनेजमेंट। सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इस PDA को ओपन, क्योंकि अगर यहाँ पे इस पोर्शन में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, ये बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, आयोटा जो है वो रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ का प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, रिलीज़ करने में कौन हेल्प कर रहा है, PDA हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से हम PDA को क्लोज नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उसके लिए, क्लोज नहीं होने देने के लिए हम क्या देते हैं, PGE1 इन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन हम देंगे ताकि PDA जो है वो इंटैक्ट रहे, PDA जो है वो वैसा का वैसा ही रहे, क्लोज ना हो। उसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसा हमने बोला कि एंडोकार्डाइटिस होने के बहुत ज़्यादा, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम मेडिकल, ये मेडिकल मैनेजमेंट था, नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट आता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में इसका बस एक ही सर्जरी है, करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी में क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, करेक्टिव सर्जरी। ओके, करेक्टिव सर्जरी में जो सर्जरी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ या तो पैच, आयोटा, आयोटोप्लास्टी, या फिर आयोटोप्लास्टी। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये नैरो वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करके रिमूव कर दिया, ठीक है, ये पोर्शन रिमूव कर दिया, और उसके बाद इन दोनों पोर्शन को जॉइन कर देंगे, ठीक है, इन पोर्शन को ऐसे जॉइन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो नैरो वाला एरिया था उसको हटा के जो रिमेनिंग एंड्स थे उनको अटैच कर दिया, तो ये हो जाता है आयोटोप्लास्टी, ठीक है। दूसरा है पैच आयोटोप्लास्टी। तो पैच आयोटोप्लास्टी में क्या करते हैं, वेट अ सेकेंड, दिस इज़ कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा। पैच में क्या करते हैं, पैच में इस वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को कट करके, ठीक है, एक अलग जगह से, इन्हीं में से कहीं से, या तो सब क्लेविकल क्लेवियन आर्टरी से निकाल के यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैच टाइप का लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा कुछ इस टाइप का हो जाता है और ये पैच लग जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है, ये भी करेक्ट हो जाता है और फिर कोआर्क्टेशन जो है वो कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा जो है वो नहीं रहता है, नैरोनेस जो है यहाँ का, नैरोइंग है वो नहीं रहता है। ओके, तो ये थे दो सर्जरीज, पैच आयोटोप्लास्टी या फिर आयोटोप्लास्टी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।